अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अहमद, आप देख रहे हैं सिद्दीकी ब्लॉग्स। तो गाइस मैं आपको आज ये जो बात बताने वाला हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं गाइस, इसको सुनेंगे आप तो काफ़ी आपको नॉलेज होगी। ये आप अभी जो फ़ोटो देख रहे हैं ये आप जो कलश को जो कलश टाइप में आप फोटो देख रहे हैं, इसके ऊपर जो चांद बना हुआ है, इस कलश को बादशाह ने बनवाया था। इस कलश की ऊंचाई लगभग 9 मीटर है। इस 9 मीटर के ऊंचे के कलश में तकरीबन 466 किलोमीटर का सोना लगा हुआ है। इसमें सोना लगा हुआ था और इस कलश को काफ़ी खूबसूरती जो है इसमें लगी हुई थी। अफसोस अंग्रेज जब इस हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान की सारी चीज़ों को तोड़ने चालू कर दिया, तब इनका उनको इस कलश के बारे में मालूम हुआ, इस सोने के बारे में जब इनको मालूम हुआ तो इन्होंने इसका जो है 1810 हिजरी में इसका सारा सोना निकलवा लिया। जो है सोने का कलश ये बनाया गया। कलश जो आप जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं 466 किलो का ये कलश, और ये 1810 में जो अंग्रेज आए फिरंगियों ने इसको उतरवा के इसके जगह पे तांबे का कलश लगा दिया। इस गुम्बद को 1810 में जब उतरवा लिया गया, इसके जगह पे तांबे का गुम्बद लगवा दिया गया वहाँ पर, और इस तांबे के गुम्बद के ऊपर सोने की पॉलिश करके इस तरह लगा दिया गया कि ये बिल्कुल वही हकीकत वैसे ही दिखे। लेकिन जब इसे पता चला कि ये गुम्बद बिल्कुल नकली है, फेक है, उसको सोने का गुम्बद निकल चुका है, गाइस हकीकत में अगर इस इन फिरंगियों ने हमें लूटा ना होता तो आज हमारा हिंदुस्तान ये कहाँ से कहाँ होता और कितना मजबूत होता। ये सोने की चिड़िया कहे जाने वाला ये हिंदुस्तान हमारा, ये सच में एक सोने की चिड़िया ही था, लेकिन इसे फिरंगियों ने इस तरह जो है इसको लूटा है, इस तरह लूटा ये हमारे हिंदुस्तान का जो है काफ़ी सोना ये लेकर चले गए। और हमारा ये जो कोहिनूर, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑल पर सेट कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है।